हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? देखो जी, आज फिर से हम एक मशीन पे आए हैं। एक ये है, एक ये है, इसका तो कुछ नहीं करना। इसकी करनी है हमने 500 घंटे की सर्विस। 500 घंटे की सर्विस पे इंजन ऑयल और यहाँ की कंडीशन के हिसाब से हम लोग गेयर ऑयल भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि मशीनें काफ़ी ट्रैक होती हैं। स्विंग तो सारा दिन ही रहती है, 24 घंटे स्विंग पे चलती है, तो इसलिए हमने गेयर ऑयल भी ला के रखा हुआ है। ठीक है जी, तो अभी दिखाते हैं आज 500 घंटे की सर्विस पे क्या क्या करना। हाइड्रोलिक फिल्टर भी हम लेके आए हैं, क्योंकि 500 घंटे की सर्विस तो इंजन ऑयल सिर्फ चेंज होगा, इंजन ऑयल का फिल्टर और गेयर ऑयल, लेकिन इसके 1000 घंटे भी रीच हो चुके हैं मशीन के। जैसे पहली सर्विस आई 500 पे, उसके बाद अब 1000 घंटे वाली सर्विस कह सकते हैं इसको, कि 1000 घंटे वाली सर्विस है, उस पर हाइड्रोलिक फिल्टर भी चेंज करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, कभी भी मशीन पे आना ना काम करने के लिए, जैसे रास्ते मशीनें खड़ गए हैं, यहाँ भी ऑपरेटर पहुँचा नहीं, हम लोग पहले पहुँच गए। तो कई बार क्या होता है, बंदा पहले पहुँचता है, तेल निकालना शुरू कर देता है, फटाफट काम ख़त्म हो जाएगा। पहले मशीन को चलाओ, खुद चला के देखो, कई बार ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है मशीन में, बाद में पता लगा हो बंदा आके ब्लेम करेगा कि यार पहले तो प्रॉब्लम थी नहीं, आप के आने के बाद आ गई। तो मैंने मशीन अपनी चला के देखी, उसके बाद ये कुछ भी खोलने से पहले मैंने ट्रैवल मोटर को सही पोजीशन में लगा लिया, ताकि मैं इधर इंजन का तेल भी निकाल लूं और इधर ट्रैवल मोटर का तेल भी निकलता रहे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, तीनों होल सही पोजीशन पर हैं। ऐसे ही दूसरी साइड की भी कर लिए पहले ही। तो सबसे पहला काम तो ये है, मशीन लेवल पर पार्क कर लो, ना उबड़ खाबड़ जगह मैंने ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम लेवल पे हो, जैसे ये हमारी वाली है। और उसके बाद इंजन, क्योंकि रात से ठंडा पड़ा था, मैंने इसको 10 मिनट चलाया ताकि थोड़ा गर्म हो जाए, तेल निकलने में आसानी रहे, सब जगह से तेल बाहर आ जाए, ठंडे इंजन का तेल भी नहीं निकालना चाहिए। तो अब ड्रेन प्लग खोलेंगे, उसमें इंजन मशीन है, इसमें 1/4 की फिटिंग लगती है, जो हमारा बोले तो जो सॉकेट होते हैं उसका जो ड्राइव होता है, सॉकेट की जो ड्राइव होती है वो 1/4 1/3/8 की आती है, फिर आधा इंच की आती है, फिर 1 इंच की आती है, उससे बड़ी भी आती हैं। तो ये 1/4 वाली जो ड्राइव है इसके ड्रेन प्लग में लगती है, नए मॉडल में। पुराने मॉडल में 17 नंबर की चाबी लगती है, तो इसको लगा के हमने भी तेल निकाल लेना, दिखाते हैं आपको। और उसके बाद इसकी करेंगे सर्विस। तो क्या है ना कि अगर 1000 घंटे किसी मशीन के पूरे हो जाएँ, 1000 घंटे किसी इंजन के पूरे हो जाएँ, तो एक बार टैपेट सेटिंग भी कर लेनी चाहिए। आज वो भी करेंगे अपन, वो भी दिखाते हैं। तो सर्विस करने के लिए जब हमने मशीन को पार्क कर लेना ना, उसके बाद जब हमें पता लग गया इंजन हमारा हॉट है, थोड़ा सा वार्म है, और ये लेवल पे हो चुकी है मोटरें, अब हमने दोबारा मशीन सर्विस के बाद ही स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो बैटरी का नेगेटिव ऑल रिप्लेस खोल दें, या फिर मास्टर स्विच ये वाला, ऐसे मैंने काटा हुआ है, ऐसे कट कर दें। कई बार बाई मिस्टेक चाबी चूबी गिर जाए स्टार्टर मोटर पे, मशीन ना स्टार्ट हो जाए, ऐसा होता नहीं, लेकिन गलती से कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी हो सकती है कि कोई स्टार्ट कर दे किसी गलती से। तो सबसे पहले ये काम करें, और उसके बाद हम करेंगे इंजन ऑयल ड्रेन, और दिखाता हूँ मैं। तो हम अभी नीचे आ गए जी मशीन के, डाउन प्लेट खोल लिया है, तो ये है जो होज़ लटकी हुई है नीचे को, स्विंग मोटर की डिवाइस की होज़ ड्रेन करने के लिए गेयर ऑयल। तो ये हमने खोल दिया, जिसमें 2 22 नंबर की चाबियां लगती हैं, एंड में उधर रखी हुई भी हैं, साथ में वीडियो में दिख रही होंगी। तो उसका प्लग सा होता है छोटा सा एक, ये रखा हुआ है इधर, ये प्लग खोल के इसको छोड़ दो, क्योंकि ये गाढ़ा तेल होता है गेयर ऑयल, टाइम लगेगा इसको निकलने में कम से कम 20-25 मिनट, जब तक हम और काम कर लेते हैं, और अगर मशीन गर्म हो तो जल्दी निकलता है। और जो मैं ड्राइव के बारे में बात कर रहा था, अच्छा कैन यू होल्ड कैमरा फॉर अ सेकंड, ये होती है नॉर्मल टी हैंडल, जिसमें होता है ये शायद 3/8 का साइज होता है इसका, और ये एक और आता है साइज इससे छोटा, इसको बोल देते हैं 1/4, और भी बहुत सारे साइज आते हैं। तो ये ऐसे लगा के अभी हम प्लेट खोलेंगे, फिर ड्रेन प्लग में लग के इसको प्यार से खोल लेंगे। और जो पुरानी मशीन होती थी उसमें 17 नंबर की चाबी लगती थी ड्रेन प्लग में, तभी इसको खोल लें प्लेट को, फिर दिखाते हैं आपको।
अपन ने डाउन प्लेट खोली है, ये देखो जो टेंडल मैंने दिखाया था इसको ऐसे पकड़ लो, एक नीचे लगा के एक हाथ से और दूसरे हाथ से इसमें चोट मारो तो ये खुल जाता है बड़े प्यार से ऐसे ही। और हमसे पहले किसी ने सर्विस की थी इसकी, शायद ऑपरेटर ने खुद ही की थी, तो ये ज़्यादा कस देते हैं ना तो इसकी वाशर भी ख़राब हो जाती है, तो वाशर नहीं लगानी चाहिए ड्रेन प्लग में। अपन दिखाएंगे अभी, हमारे पास है वाशर लगा के, अगर बैग में मिल गई तो, कई बार नहीं भी होती। अच्छा आई थिंक यू रिमूव द टी हैंडल नाउ, रिमूव द टी हैंडल, हाँ नाउ यूज और ओनली योर हैंड, लीव इट वन साइड। तो इसमें आता है लगभग लगभग 21 लीटर तेल, किस मशीन में कितना तेल डलता है वो ना कैबिन के अंदर जो चार्ट लगा होता है हमेशा वो देखना चाहिए, या मशीन का मैनुअल देखो, ऑपरेटर मैनुअल देखो। इस हॉट टू मच इनसाइड, नो प्रॉब्लम। तो ये होता है, ये होता है जी थोड़ा सा मशीन को गर्म करने का फ़ायदा, फटाफट तेल निकल आता है और सब जगह से। अगर ठंडी का निकालेंगे तो नुकसान हो जाता है, कई बार सारा तेल बाहर नहीं आ पाता, गाढ़ा तेल वो कई जगह रुका होता है। कम से कम 5 या 10 मिनट मशीन जल्दी करनी चाहिए, ये नहीं कि 2-3 घंटे, सिर्फ 5 से 10 मिनट। तो ये निकल गया जी सारा तेल, धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे हम आधा पौन घंटा ऐसे ही, जब तक हम लोग और काम कर रहे हैं मशीन का। तो सबसे पहले हमने देखो जी स्विंग का तेल लगा दिया ताकि उसको टाइम लगता है निकलने में, वो निकलता रहे। इधर इंजन का लगा दिया निकलने के लिए, और आई थिंक लीव इट लाइक दिस, कम आउटसाइड, नो डोंट डोंट रिमूव दिस करन, यस यस। तो एंड कैन यू ब्रिंग द ड्रेन, ओके नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट व्हेन यू थ्रो दिस ऑयल आउटसाइड। तो अभी इधर हमने इसका ट्रैवल का तेल निकलने के लिए लगा देना। तो सबसे पहले ना ट्रैवल का जब तेल निकालते हैं ऊपर वाला ही प्लग खोलना चाहिए, कई बार हम लोग नीचे जहाँ से निकलता है वो पहले खोल बैठते हैं, तो होता क्या है ना जब मशीन चल रही होती है काफ़ी टाइम से तो इसके अंदर हल्की सी स्टीम या गैस सी बन जाती है। तो हम लोग अब नीचे का तेल वाला ड्रेन प्लग खोलते हैं ना, एकदम से वो प्रेशर मारता है पुक करके, सारे कपड़े वगैरह लपेट देता है, कई बार मुँह पर भी गिर जाता है तेल। तो हमेशा पहले ऊपर वाला खोलो क्योंकि इसके अंदर तेल सिर्फ आधा भरा होता है। और ऐसे ही इन्होंने कंपनी ने देखो लेवल बनाया हुआ है इसका, तो करना क्या है इसमें कितना तेल डालना है, कुछ बंदे पूछते हैं 5 लीटर की 10 लीटर, सिंपल सी थ्योरी है ट्रैवल मोटर के लिए। ट्रैवल मोटर मशीन लेवल पे होनी चाहिए नंबर एक, नंबर दो जब लेवल पे होगी मशीन उसको इस पोजीशन में ले आए, इस पोजीशन में ला के नीचे वाला ड्रेन प्लग से जब तेल बाहर निकल जाएगा उसको कस देना नीचे वाले को, मैं दिखाऊंगा अभी करके, और फिर ऊपर वाले से तेल डालना शुरू करना है हमने। जब ऊपर वाले से तेल डालते रहेंगे इस जगह से जैसे जब तेल आ रहा है तो ऐसे ही जब तेल आ जाएगा इसका मतलब ये आधी भर चुकी है, तो इसका मतलब ये लेवल पे हो चुका है तेल। इसमें लगभग लगभग हमारी मशीन में 5-5.5 लीटर डलता है, तो कोई भी कंपनी की मशीन है मशीन को इस तरह लेवल पे कर लो और ऊपर से डालना शुरू करो, जब साइड से निकलने लग जाए तो मतलब ये आधी भर गई है और उतना तेल बहुत है। ओए प्रॉपरली फूट दिस वन, हिट विद हैमर हियर, तो इसको कर लेते हैं जी हम, फिर दिखाते हैं आपको अगली कार्रवाई। वैसे हमारा तेल इतना ख़राब नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रैक काफ़ी होता है मशीनों का, तो हमेशा बंदे बोलते हैं कितने घंटे पे चेंज करना चाहिए। अगर तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा मार्चिंग करती है दिन में तो 500 घंटे पे स्विंग का और ट्रैवल का कर दो, और अगर कम मार्चिंग है एक जगह खड़े खड़े, जैसे मान लो फिलहाल ये काम हो रहा है एक जगह खड़े खड़े, कोई प्लॉट कटिंग हो रही है, तो अगर ऐसी जगह पर चल रही है तो ट्रैवल की कर दो 1000 घंटे पे, क्योंकि ये बहुत कम चलती हैं आगे पीछे धीरे धीरे चलती हैं, और स्विंग की हर 500 घंटे पे कर देनी चाहिए क्योंकि स्विंग तो सारा दिन मशीन होती होती है। और गेयर ऑयल इसमें लग रहा है 85W 140, और इंजन ऑयल है 15W 40। अभी लड़के ने ऊपर फिल्टर खोल लिया, इसका फिल्टर यहाँ पे लगाया,
ये सभी इंजन में सेम ही है, कमिंस के क्या है, जेसीबी हो चाहे सैनी हो, बस ऑयल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया होता है ना, हर इंजन की कंपनी के हिसाब से फिर नीचे चैम्बर लगा हुआ है जिसमें तेल भरा होता है, वो अलग अलग लगा देते हैं, और फिल्टर की ड्यूरेशन अलग अलग होती है, अलग अलग एलिमेंट होता है, तो वो फिल्टर बदल देते हैं, बस इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है ये। तो ये है हमारा फिल्टर, इसकी लाइफ है 500 घंटा, और जो एक और इंजन का फिल्टर आता है उसकी होती है 250 घंटा, वो भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की किसी दिन। तो इसको पहले अपन रिफिल कर लेंगे, पहले ही लगाने से पहले, ज़रूरी नहीं करना लेकिन अगर है टाइम तो कर लेना चाहिए, और डीजल फिल्टर को कभी भी फिल करके नहीं लगाना चाहिए, डीजल फिल्टर खाली लगाओ और फिर पंप मार मार के उसमें डीजल भरो ताकि डीजल फिल्टर होके आगे जाए। ये इंजन ऑयल तो हमारा पहले ही साफ सुथरा नया है। डीजल का क्या होता है, बंदे गैलन से या किसी बर्तन से या किसी डब्बे से निकालते हैं या टैंक से निकालते हैं, हो सकता है गंदा डीजल हो, और उसको भर देते हैं नए फिल्टर में, तो फिल्टर को डीजल वाले को हमेशा खाली लगाना चाहिए। खाली फिल्टर को लगा के पंप मार मार के प्राइमिंग पंप फिर हवा निकालनी चाहिए, ताकि अगर गंदा डीजल आया भी है थोड़ा बहुत तो फिल्टर हो जाए। अगर पहले से ही ऐसे भर देंगे हम डीजल उठा के किसी डब्बे से, हो सकता है कचरा चला जाए इसमें, क्योंकि इंजन ऑयल तो बिल्कुल क्लीन है, हमने अभी आपके सामने सील खोली है, पैकिंग खोली है इसकी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो इसको फिल करके फटाफट हमने फिल्टर लगा देना है, और उसके बाद नीचे से ड्रेन प्लग कस देंगे और इसमें 21 लीटर इंजन ऑयल डाल देंगे। तो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेल का इंजन ऑयल, तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है भाई, आपको जो अच्छा लगे, जो कंपनी मशीन की रिकमेंड करती है वो इंजन ऑयल यूज़ करो, हमारे पास ये अवेलेबल था तो हमने ये डाल दिया। ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी डब्बा दिख रहा है ना मेरी वीडियो में, तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रही यहाँ पे कि हमने यही वाले फ़िल्टर लगाने हैं, जो टाइम पे अवेलेबल हैं अच्छी क्वालिटी के उन्हें यूज़ करें, हो सके तो जेन्यून यूज़ करें, हम लोग यहाँ पे जेन्यून यूज़ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के फ़िल्टर हैं और सेल का इंजन ऑयल है। ठीक है जी, और जब थोड़ा सा फ़िल्टर लगाने से पहले ना नया तेल लेके इसकी सील पे लगा लो, तो होता क्या है इससे जब फ़िल्टर को हम कसेंगे ना, अगर फ़िल्टर ने 2 राउंड पे पूरा कस जाना है तो कम से कम 2.5 राउंड लेगा तेल लगने के कारण, और लीक नहीं करेगा बाद में। ठीक है जी, तो कोशिश करता हूँ दिखाने की, और जब फ़िल्टर उतारते हैं ना पुराना, तो उसकी कई बार रबड़ ऊपर चिपकी रह जाती है, हमेशा अंगूठा लगा के उंगली लगा के चेक कर लें, अभी लड़के जैसे चेक किया वीडियो में, नहीं तो होता क्या है डबल रबड़ लग जाएगी, पहले पुराने फिल्टर की रहेगी और हमने नया फिल्टर लगा दिया उसकी भी नहीं है रबड़, और जैसे स्टार्ट करोगे तेल लीक हो जाएगा और बिना मतलब सारी मशीन काली काली हो जाएगी और इंजन का नुकसान भी हो सकता है। इसको मोस्टली तो हैंड टाइट कर लो, अगर हाथ ना पहुंचे, ऐसी जगह भी होती है कई बार हाथ चलाने की जगह नहीं होती, तो फिल्टर बेल्ट से जब हाथ से कसते कसते रुक जाए उसके बाद फिल्टर बेल्ट से आधा राउंड दे दो, बहुत है, ज़्यादा ना कसो, अगली बार नहीं तो साला खुलते टाइम तंग करता है बहुत ज़्यादा। ये हैंड टाइट ही होते हैं सारे के सारे फिल्टर, जैसे इस लड़के ने अभी थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा और घुमाया, तो आधा राउंड बहुत होता है। ठीक है जी, आधा राउंड मतलब जैसे मैं ये फिल्टर मान लो कस रहा हूँ, कसते कसते रुक गया हाथ से, उसके बाद ज़बरदस्ती या बेल्ट के साथ इसको आधा राउंड दे दो, बहुत है, फिल्टरों पे लिखा भी होता है, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, जब टाइट हो जाएगा उसके बाद प्लस 1.5 राउंड ज़्यादा टाइट करना है। पहले ये देखो हाथ दिखाया हुआ कल्ला, तेरा जो जो भी मैंने बताई है वो ही सब इसमें दिखाया हुआ है, डीजल या तेल लगाओ रबड़ पे, उसके बाद हाथ से इसको कसो, जब हाथ से कसते कसते रुक जाए उसके बाद आधा राउंड और कस दो इसको बेल्ट की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से। ठीक है जी, अब ये आगे जी डीजल फिल्टर, इनको अपन बिल्कुल सूखा लगाएंगे। तो अभी डीजल फिल्टर लड़का लगाने जा रहा है, जैसा मैंने बताया ना इसको हमेशा बिना तेल के लगाएं, अगर आपको यकीन है भी डीजल हमारा जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इसमें डालेंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो अब कोई गलती नहीं है, नहीं तो खाली लगाओ, 2 मिनट लगती हैं इसको पंप करके भरने में, तो ये फिल्टर होके सारा डीजल आगे फेंकेगा। ठीक है जी,
और अभी बाकी रह गया हमारा इसके बाद वाटर सेपरेटर। ये है नया वाटर सेपरेटर, इसमें एक सेंसर सा लगा होता है नीचे इसकी, लेकिन अभी फिटिंग आती नहीं कंपनी से। गो टाइट 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 टाइट। तो इस टंकी में डीजल बहुत ज़्यादा है, इसके लेवल से ज़्यादा, तो अपने आप ही डीजल आ ही जा रहा है। तो इसको अगर ऐसे ही लगा देंगे अपने आप बढ़ जाएगा। थोड़ी देर ऐसे ढीला छोड़ के हवा निकाल दो। ओके टाइट नाउ। तो ये हो गया जी वाटर सेपरेटर चेंज, और ये है डीजल फिल्टर। जो पुरानी मशीन आती थी जिसकी सर्विस इंजन की हर 250 घंटे होती थी, उसमें दो फिल्टर होते थे, इसमें एक ही फिल्टर यहाँ पे दिया है और एक वाटर सेपरेटर ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्योंकि इस फिल्टर की लाइफ ज़्यादा है इसलिए उन्होंने एक ही दिया है। अभी इसको खोल के जैसे इंजन का फिल्टर लगा वैसे ही दूसरा फिल्टर भी लगा देंगे। इस फिल्टर के साथ में एक रबड़ की पैकिंग आती है छोटी सी ऊपर लगाने के लिए। अगर तो पिछली बार चेंज की है तो ज़रूरी नहीं इस बार चेंज करनी है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है हवा लेने की या पिछली बार नहीं चेंज की तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो दिख रहा है ऊपर जहाँ पे फिल्टर कसते हैं वहाँ दिख रही है छोटी सी रबड़। अगर हार्ड होगी उसको फील कर लो, अगर हार्ड हो रखी है तो बदल दो, फिल्टर के साथ आती है। अगर नॉर्मल नरम है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी नया फिल्टर लगाएंगे। ये आएगा नया फिल्टर, खाली है ये हमारा क्योंकि हमारे पास डीजल है नहीं। पाइप पाइप खोल के निकालने का अपना इरादा है नहीं, 2 मिनट लगते हैं इसको भरने में। ठीक है जी, ऐसे ही हो गया डीजल फिल्टर टाइट। अब इसको पंप मार मार के हमने फिल कर देना और एयर निकालने के लिए क्या करते हैं ना कुछ लोग, यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो पंप के ऊपर फिटिंग दिख रही है ना, इसको खोल बैठते हैं। सॉरी, जो फिल्टर के ऊपर फिटिंग दिख रही है ये वाली 12 नंबर की, कैन यू सो मी 12 नंबर फिटिंग। यस, कभी कभी लोग मोस्टली इसको खोल बैठते हैं, बाद में यहाँ से लीकेज नहीं हटती। अगर हवा निकालनी है तो ये 10 नंबर का स्क्रू दिया हुआ है। अरे कैन यू सो मी द 10 वन? यस दिस वन। या तो इसको लूज करो, ये भी कई बार बाद में हटते नहीं लीकेज। तो सबसे बढ़िया तरीका है ये जो मोटा वाला पाइप है 19 नंबर का, यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज कर लो तो अपने आप ही हवा जब निकल जाएगी इसको कस दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर वहाँ से खोलते हैं बार बार लीकेज नहीं आती, सारा इंजन फिर गीला गीला रहता है हमेशा। और हवा वैसे मोस्टली तो कंपनी यहीं से बोलती है निकालने के लिए, लेकिन आपकी मर्जी है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैन यू ब्रिंग द 10 स्पिनर? ये देखो भी लड़का पंप मार रहा है, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से पंप मार मार के इसमें से हवा निकालने में। जैसे ही फिल्टर भर जाएगा हवा सारी बाहर और डीजल अंदर। अभी दिखाता हूँ मैं आपको फ़र्क क्या होता है। अगर 12 नंबर से निकालते हैं ना हवा, वो है ही नहीं उसके लिए फंक्शन। लेकिन अगर 10 नंबर से निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन यू लूज फॉर मी? तो इसमें देखना ये स्पेशल एक होल दिया होता है हवा ही निकालने के लिए। लूज मोर, गो गो गो, ओके लीव इट। जैसे तेल आएगा ना आपको देखना, ये देखो एक ही साइड को तेल निकल रहा है, चारों तरफ नहीं निकल रहा। तो इसके अंदर एक होल है, या तो यहाँ से हवा निकाल लो या फिर
सबसे अच्छा तो 19 नंबर से जहाँ मर्जी से निकालो। मैंने दोनों चीज़ दिखाई है क्योंकि वीडियो में एक में दिखा दी, वहाँ से भी क्या होता है ना बाद में लीकेज नहीं हटती या वाशर बंदे के बाद नहीं होती नहीं है ऑन द स्पॉट, तो मैं बेस्ट है यहाँ से निकालना। ओके जस्ट टाइट दैट वन एंड डोंट फोर्स, जस्ट टाइट स्मॉल, इसको ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, टूट जाते होते हैं। ओके अब जैसे ही देखें यहाँ से तेल आने लग गया, अब हमने ये भी कस देना है। तो ये निकल गई इसकी हवा, इंजन स्टार्ट होने के लिए रेडी है, लेकिन अभी इंजन ऑयल जाना बाकी है इसके अंदर। ड्रेन प्लग हम नीचे से कसेंगे फिर इंजन ऑयल डालते हैं। ये सारे टैपिट कवर खोलने के बाद इंजन को मैंने कर लिया टाइमिंग पे, पहला नंबर सिलेंडर फायरिंग ऑर्डर पर है, फ्लाईव्हील साइड से घुमा के पंप के नीचे, जो मैं वीडियो डाल दूंगा कैसे टाइमिंग पे करते हैं, पहली बनी हुई वीडियो है उसका लिंक, पंप के नीचे एक छोटा सा होल होता है वहाँ पे ये टाइमिंग प्लग लगा होता है, इसको निकालो और सामने एक होल आएगा, फ्लाईव्हील को घुमाते रहेंगे, उंगली डाल के रखो यहाँ पे, फ्लाईव्हील इधर से घुमाते रहो तो जब ये होल आएगा पता लग जाएगा ये टाइमिंग पहुँच चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले वाले के दोनों, अगले का पहला, तीसरे का एग्जॉस्ट, फिर चौथे का इनलेट, फिर अगले का ये एग्जॉस्ट इस राउंड में कर देंगे। उसके बाद इंजन को फ्रंट साइड से 360 डिग्री फिर घुमाएंगे और जो बचे रह जाएंगे उनको फिर से कर देंगे। तो ये पहले वाली है 0.25 की, इसमें क्लियरेंस रखनी चाहिए, और इसमें है एग्जॉस्ट में 0.5 की। तो इनकी देखो काफ़ी प्ले बढ़ चुकी है चलते चलते इंजन, तो अभी इनको हम एक बार सेट कर देंगे। तो कैसे टैपेट सेटिंग करते हैं इसको मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी को पूरी टैपेट सेटिंग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा और वो देख सकते हैं। तो ये है जी इनलेट वाली 0.25 की, इसमें दिख नहीं पाएगा काफ़ी रब हो चुका है, पुराना हो चुका है मेरा गेज। तो आप फिलर गेज से भी कर सकते हैं और डायल गेज के सहारे भी कर सकते हैं, अगर डायल गेज है तो सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे ही मैंने सारे कर लेने हैं, पूरी वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा वो देख लेना आप लोग, ठीक है जी। ओके स्टॉप। तो इस इंजन की हमने फैन बेल्ट भी चेंज करनी है, वो भी हम लेके आए हैं। तो फैन बेल्ट चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, ओके ये होता है जी एसी की बेल्ट टाइट करने का मैकेनिज्म। तो 17 नंबर की चाबी लगा के पहले इसको लूज़ कर लो, उसके बाद ये वाला बोल्ट 12 नंबर का अगर हम घुमाएंगे तो ये पुली नीचे को चली जाएगी, तो ये हमारी एसी वाली बेल्ट साइड में हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना हैंडल लगा के इसको ऐसे खींच के बेल्ट निकाल ली पुरानी, अब नई बेल्ट डालने के लिए कोई ये चाली चूली खोलने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं इतनी। नई बेल्ट को इस तरह डाल के पंखे में से एक एक करके डाल सकते हैं, एक पहले पहले पर डाल दिया फिर ऐसे ही दूसरे में, ऐसे करते करते सारों में से निकाल लेंगे तो पंखे के ऊपर बेल्ट आ जाएगी। इस बेल्ट को जैसे मर्जी डाल सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होती, कुछ बेल्टों में डायरेक्शन दी होती है तो डालते टाइम देखना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे वाली पुली में इसको फंसा लेंगे, नीचे वाली पुली होती है हमारी क्रैंक की, ऐसे करके गिव हिम द
अभी मैं इसको यहाँ पे जो मैंने हैंडल लगाया हुआ है बेल्ट टेंशनर में, इसको खींच लूँगा और ये लड़का बेल्ट को धीरे से उसमें डाल देगा। तो Not on downside. Remove again from alternate. Make it go for downside. Okay. Okay, you stop the video. You don't know how to. Okay, जी, थोड़ा सा लड़के ने कैमरा कर पकड़ लिया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो हमने फैन बेल्ट हमारी ऑन कर दिया है। फैन बेल्ट जो है ना, ये देखो ये देखने में ही लग रही है पतली हो चुकी है और कट के कई जगह से छेद भी हो चुके हैं, इसमें ख़राब हो चुकी है। ठीक है जी, ये पहचान है ख़राब की। और एक और पहचान होती है ये जो पॉइंट है बेल्ट टेंशनर का, जब ये बेल्ट नए वाली भी चलते चलते लंबी हो जाएगी, ये वाला पॉइंट एवरी डे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ऊपर आता रहेगा और जब ये पॉइंट इस पे आके टच हो जाएगा तो ये बेल्ट टेंशनर और नीचे को बेल्ट के ऊपर जोड़ नहीं लगाएगा, तो इसका मतलब है बेल्ट चेंज करने वाली टाइम आ चुका है। तो अभी तो इसमें एक इंच का गैप है, नई बेल्ट है, धीरे 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 ये ऊपर को आता रहेगा रोज़ रोज़। जब इसको हो जाएगा 2-3 महीना 4 महीने चेंज करने के लिए बताएगा कि अभी यहाँ पर लग गया, मैं ये और टाइट नहीं करेगा तो चेंज कर दो। ठीक है जी, तो ये होती है एक पहचान। और दूसरी ये है कि बेल्ट ऑलरेडी देखो ख़राब ही हो चुकी है। तो ये होगी हमारी इंजन की सर्विस। अब रह गया सिर्फ इंजन ऑयल डालना, ड्रेन प्लग लगाना। अभी ड्रेन प्लग लगाते हैं हम नीचे जाके और फिर इंजन ऑयल की सर्विस करते हैं, चेंज करते हैं इंजन ऑयल, सॉरी नया डालते हैं। ये था हमारा ड्रेन प्लग और इसकी पुरानी सील, जो कि ड्रेन प्लग हमारा लीक कर रहा था कसने के बाद भी। तो ये पुरानी सील को हम लोग निकाल देंगे। हमारे पास ये नई सील है ब्रांड न्यू, तो इसको लगा देंगे। लेकिन इसमें देखो अंदर रबड़ होती है, कुछ लोग क्या करते हैं इसको ज़बरदस्ती घुसते हैं, ऐसे ना घुसना, इसको धीरे धीरे ऐसे कस के चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये हाथ में जाती है तो रबड़ सी बाहर निकल के। तो इसको भी नीचे हमने जाके कस देना और उसके बाद उसमें इंजन ऑयल डालते हैं, फिर हो जाएगी हमारी इंजन की सर्विस डन। ओके जी, ओके। तो जी ड्रेन प्लग जहाँ लगता है वो हिस्सा हमने कर लिया साफ, और ये नई सील के साथ प्लग लगा देना है। इसको ज़्यादा कसने की ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ लोग तो लटक लटक के कसते हैं, इसमें सिर्फ अपना टूल लगा के हल्के से 2-3 बारी हाथ मार देना चाहिए जहाँ पे रुक जाए कसते कसते। उसके बाद आई लाइक हिट मोर देन 2-3 टाइम लाइक दिस वन 1-2-3। तो जी ऐसे कस दिया ये बहुत। अब डालते हैं इंजन ऑयल, इंजन की सर्विस होगी, सिर्फ रह गया हमारा स्विंग का तेल डालना। आई लाइक आल्सो टाइट द स्विंग प्लग, स्विंग मोटर में तेल डालेंगे गियर ऑयल और ट्रैवलों में, फिर होगी इस मशीन की सर्विस डन। रह गया हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज करने, वो भी दिखाते हैं कौन कौन से हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज करने हैं। जो टैपेट सेटिंग मैंने दिखाई वीडियो में पूरी नहीं दिखा पाया मैं, उसका मैं लिंक डाल दूंगा आप लोग देख लेना। लेकिन कब जरूरी होती है, जब इंजन कम से कम 2000 घंटे, वैसे तो 1000 घंटे बोलती कंपनी, लेकिन अगर 1000 के बाद भी करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन 2000 के बाद तो ज़रूरी है, हर 2000 घंटे पे होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो उससे क्या होता है, इंजन का डिस्टर्बेंस बनती है, प्रॉपर काम नहीं करता। ये जिस स्विंग का पाइप लड़के ने कस दिया, ये भी 2 चाबियों के साथ
और इसको हम डाल देंगे ऊपर को वापस, और ये डाउन प्लेट लगा देंगे और ऊपर जाके फिर काम करेंगे बच्चा कुछ। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल स्टेज इंजन ऑयल फिल करने के लिए। बारी बारी से हम लोगों ने 5-5 लीटर के हम लोग इंजन ऑयल लेके आए हैं। 21 लीटर के आसपास हमने इसमें डालना है, 21 पॉइंट समथिंग। तो ये डालने के बाद इंजन की सर्विस डन, फिर करेंगे हाइड्रोलिक के फिल्टर्स चेंज और गियर ऑयल फिल स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर का। ये फोकस हेयर लुक स्मॉल टाइम ऑयल कम आउटसाइड। तो इसको दिखाने में कुछ नहीं है जी, इस तरह कर करके सारा तेल डाल देना हमें फटाफट। इंजन ऑयल का नंबर कंपनी का नाम मैं जान करके नहीं दिखा रहा, नहीं तो कई बार कंपनी वाले ड्रामा करते हैं वीडियोस में यूट्यूब पे। तो जी हमने इधर की सर्विस कर लिया, इसमें ऑयल फिल कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ प्लग कसने को रहते हैं। इसमें आया 5 लीटर और ऐसे ही दूसरी साइड भी चल रहा है। तो उसके बाद स्विंग मोटर रह गया, सिर्फ स्विंग मोटर में भी सिर्फ 5-1 लीटर तेल जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगी हमारी सर्विस 1000 घंटे वाली कंप्लीट, और रह गया सिर्फ फिल्टर्स चेंज करना। स्विंग मोटर में जहाँ पे हमारी गेज लगती है ना, उसमें से ये प्लग निकल आता है। प्लग निकालने के बाद इसी पाइप से, जो पाइप दिख रहा है खुला हुआ मुँह, यहाँ से सिर्फ तेल चला जाएगा आराम से, इसी से चेक होता है। वैसे तो नीचे एक और प्लग दिया होता है जड़ में, उसको खोल के पता कर मतलब चेक कर सकते हैं। तेल डाल रहे हैं, अगर वहाँ से तेल निकलने लगे तो मतलब ये फुल हो चुका है, लेकिन अपना अपना तरीका करने का। तो इसको भी फिल करते हैं ऑयल, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये एक नॉर्मल बॉटल काट के इसमें मैंने सॉकेट ज़बरदस्ती फिट कर दिया, तो ये कीप बन गई। और इसको ऐसे रख के इसमें धीरे धीरे गियर ऑयल डाल लेंगे हम 5 लीटर, उसके बाद चेक करेंगे थोड़ा बहुत अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। गो स्लो अदरवाइज इस कम बैक। तो जब ये डल जाएगा फिर चेक करके तो जी अभी हमने शुरू कर दिया है हाइड्रोलिक के फिल्टर चेंज करना। ये होता है पायलट फिल्टर, हर 1000 घंटे पे चेंज अगर मशीन बकेट पे चल रही है। ये होता है ड्रेन फिल्टर, ये भी 1000 घंटे पे चेंज अगर मशीन बकेट पे चल रही है। और ये होता है रिटर्न लाइन का फिल्टर, पड़े वाला जो टैंक के अंदर लगता है, ये भी हर 1000 घंटे पे चेंज अगर मशीन बकेट पे चलती है। बकेट पे मतलब सिर्फ बकेट यूज़ करते हैं, अगर ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक ऑयल और फिल्टर्स की लाइफ 1/4 कर दो। अगर जो चीज़ 1000 पे चेंज होगी वो 250 पे चेंज होगी उसके बाद, डिपेंड करता है। अगर 100% ब्रेकर चल रहा है तो कितने परसेंट ब्रेकर चलता है, मतलब सारा दिन ब्रेकर ही चल रहा है तो 250 घंटे में फिर ये फिल्टर चेंज होंगे। और अगर 50-50 चलता है तो उस हिसाब से रेशो बना लो, मतलब 1/4 हो जाता है टाइमिंग ऑयल का और फिल्टरों का ब्रेकर के साथ। अगर ब्रेकर नहीं है बकट बकट है तो सिर्फ हर 1000 घंटे पे। लॉन्ग लाइफ फिल्टरों में है, कुछ मशीनों में फ़िल्टर दूसरे भी होते हैं 250 घंटे वाले नॉर्मल फिल्टर, उनमें 250 पे चेंज होता है। तो ये आ गया जी फिल्टर, ये है नया फिल्टर। जो नया फिल्टर लगाना है, कुछ लोग इस गिलासी के अंदर फिल्टर को रख देते हैं और गिलासी टाइट कर देते हैं, फिल्टर अपनी जगह बैठता नहीं है। तो हमेशा फिल्टर को पहले उस हेड में फंसाओ और उसके बाद इस गिलासी को लगाओ। जैसे अभी ये लड़का लगा रहा है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो फिल्टर फंस गया अपनी जगह। अब उसके बाद ये गिलासी चाहिएगी, इसको कसेंगे धीरे धीरे से। अब इसके बाद आएगा ड्रेन फिल्टर,
फिर रिटर्न ऑयल का फिल्टर और हाइड्रोलिक टैंक का ब्रीदर, ये ज़रूरी है चेंज करना, कुछ लोग करते नहीं। और हाइड्रोलिक टैंक का ब्रीदर जो है, अगर ये काम नहीं करेगा ना, तो जो अंदर स्टीम बनती है तेल गर्म होने के कारण हाइड्रोलिक, वो बाहर नहीं आ पाएगी और अंदर ही अंदर टैंक में जमा होती रहेगी। जैसे ही मशीन गर्म हुई, स्टीम बनी, रात को मशीन किसी ने पार्क की, जैसे बोतल के बाहर अपने आप ही ठंडी बोतल के बाहर पानी सा जम जाता है ना, ऐसे ही इसके अंदर पानी जम जाएगा टैंक के अंदर, और धीरे धीरे वो सारा का सारा मॉइस्चर तेल में मिक्स होना शुरू, और तेल फिर जैसे जंग नहीं होता वैसे से रंग का तेल हो जाएगा। तो हमेशा ब्रीदर चेक करते रहना चाहिए काम कर रहा है, नहीं तो इसको रिप्लेस कर दो, नया लगा दो। हमारा वाला काम कर रहा था, हमने पहली हवा निकाल दी खुश करके। तो ये होगी जी 1000 घंटे की सर्विस। ये आ गया जी ड्रेन फिल्टर की बारी। इसको ड्रेन फिल्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक पंप से एक होस जाके उस पाइप फिल्टर के हेड पे लगी है, तो ये हाइड्रोलिक फिल्टर का जो ड्रेन होता है, एक्स्ट्रा तेल होता है, उसको सारे को टैंक के अंदर लेके जाता है, और छानने के बाद ये भी हैंड टाइट करना चाहिए, बेल्ट बोल्ट से टाइट करोगे अगली बार खुलेगा ही नहीं। और ये ओल्ड सील निकाल देनी चाहिए फिल्टर के ऊपर जो रखी होती है, नहीं तो ये डबल लग गई, अगर कई बार ये ऊपर चिपकी रहती है तो वजह से इंजन में बताया था मैंने नुकसान करेगी, ऐसे इसमें भी नुकसान करेगी, लीक हो जाएगा तेल। अब आते हैं रिटर्न लाइन फिल्टर पे। ये आ गया जी हाइड्रोलिक टैंक का ब्रीदर, इसमें एक नट होता है ऊपर, इसको खोल के कैप से आराम से ऐसे निकाल लो और पुराना फिल्टर थ्रो कर दो, नया लगा दो। इसको थोड़ा सा साफ करके जहाँ पे फिल्टर ने बैठना है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर ये ढंग से काम नहीं करेगी तो होता क्या है ना, जैसे जब हाइड्रोलिक ऑयल गर्म होता है उसकी जो वॉल्यूम है थोड़ी सी बढ़ती है, फैलता है वो, जब ठंडा होता है तो थोड़ा सा सिकुड़ता है। जैसे हमने ना अगर आइस जमाई किसी बर्तन में, उसी बर्तन को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर ला के रख दो, पानी बाहर निकलने लग जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ी तो टेम्परेचर के कारण। तो होता क्या है, अंदर जब तेल गर्म होता है तो सब कुछ स्टीम भी बनती है, और जब ठंडा होता है तो अंदर कुछ मॉइस्चर भी बनता है। अगर ये ब्रीदर काम नहीं करेगा प्रॉपरली तो वो मॉइस्चर बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, तेल में मिक्स हो जाएगा, तेल में मिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे तेल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये अपने आप ही चलता रहता है प्रेशर के कारण, इसको ज़रूरी नहीं हम लोग दबाते हैं तभी चलता है, ये अपने आप मशीन जब काम करती है जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है अंदर भाप का, वो अपने आप बाहर निकल जाता है, और जब ठंडा होता है तब वो अपने आप ही अंदर हवा खींच लेता है। अगर हाथ से निकालना है कभी कुछ खोलने के लिए तो ये बटन दिया होता है, तो ज़रूरी इसको चेक करना चाहिए, काम करता होना चाहिए। ठीक है जी, इसको कप को आप लगा के इसका जो नट है इसको कस देंगे, ज़्यादा ज़ोर से कसने की ज़रूरत नहीं होती, एल्यूमिनियम की बॉडी होती है उसकी क्योंकि, तो बस इसको प्यार से कस के ऐसे हाथ से या थोड़ा सा इशारा चाबी से देके छोड़ देना चाहिए, लाइक दिस। बस ये बहुत है, और इसके ऊपर अब एक और द कैप, ये इसकी कैप आ जाती है जी, अब खोलेंगे हम रिटर्न लाइन का ढक्कन, ये वाला, इसमें रिटर्न लाइन का फिल्टर है उसको चेंज करेंगे। गो गो लूज ऑल फर्स्ट देन अगेन क्लीन, सम डस्ट कम फ्रॉम दिस एरियाज, ओके डैनियल वेट। तो जी ये बचा कुचा बोल्ट भी खुल गया लगभग लगभग हमारे, इस कैप को भी खोलने से पहले हमेशा हवा निकाल लेनी चाहिए क्योंकि हमने अभी ब्रीदर बदला है तो हमारी हवा पहले ही निकली हुई है। ओके पुट इट वन साइड, बोल्ट वन साइड। ये होता जी रिटर्न लाइन के ऊपर एक स्प्रिंग रखा हुआ रिटर्न लाइन के फिल्टर के ऊपर, ताकि इस फिल्टर को नीचे को दबा के रखे, और ये होता है चेक वाल्व, फिल्टर का चेक वाल्व, ये इसलिए दिया होता है किसी कारण से अगर फिल्टर हमारा चोक हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिल्टर मान लो भर गया गंद से कचरे से,
तेल इसके बाहर से अंदर को जाएगा नहीं, तो उस टाइम ये जो नीचे स्प्रिंग दिख रहा है इसमें स्प्रिंग नीचे को दब जाता है और इसका ये कैन होल्ड लाइक दिस, तो ये जो स्प्रिंग है ये नीचे को दब जाएगा और यहाँ से जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ यहाँ से ये चीज़ नीचे को आ जाएगी और तेल डायरेक्ट जाना फिल्टर के अंदर शुरू हो जाता है, तो पंप को तेल मिलता रहता है। या है गंदा तेल मिले लेकिन पंप को तेल मिलता रहता है, लेकिन अगर ये फिल्टर टाइम पे चेंज ना करो तो बहुत दिक्कत रहती है। तो ये फिल्टर हमने पुराना फेंक देना, गो एज अ गो स्ट्रेट एंड थ्रो, और नया फिल्टर हमने अभी लगा देना इसमें। ये फिक्स नहीं हुआ फास्ट, तो हमेशा जब भी लगाना है ये देखो इसमें एक तो पहचान है कि कंपनी का नाम सीधा होना चाहिए, और यहाँ पे ये देखो होल नहीं है इसमें और सारे में होल है, तो ये जिसमें होल नहीं है जिस साइड उस साइड को नीचे रखना ताकि ये कभी भर भी जाएगा तो इसका कचरा नीचे बैठा रहे बाहर ना निकले। देखो हमेशा ख्याल रखें इसमें रबड़ होनी चाहिए ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ये ओरिजिनल फिल्टर है इनमें होती है, कई बार बाहर से आते हैं ना उनमें होती नहीं, तो ये सील नहीं करेगा प्रॉपरली चेक वाल क्लीन वन टाइम। इसको हमने ढक्कन कर देना। ये होगी हमारी हाइड्रोलिक की सर्विस जी, ब्रीदर, रिटर्न ऑयल फिल्टर, ड्रेन फिल्टर और इधर की साइड पायलट फिल्टर। इसके बाद हम करेंगे मशीन को स्टार्ट और आइडल पर छोड़ेंगे क्योंकि हमने इंजन का ऑयल भी बदला है 5 से 7 मिनट, और उसके बाद मशीन को चला के देखेंगे कुछ टाइम के लिए सब कुछ ओके कि नहीं। आई होप सब कुछ ओके रहेगा। तो कैसी लगी जी 1000 घंटे की सर्विस, जिसके अंदर इंजन ऑयल की सर्विस भी आ गई, स्विंग की भी आ गई, ट्रैवल की भी आ गई और हाइड्रोलिक के फिल्टर भी आ गए। 5000 घंटे में हम पूरा हाइड्रोलिक का तेल चेंज करते हैं अगर मशीन बकट पे चलती है, और अगर चलती है ब्रेकर पे तो परसेंटेज के हिसाब से 1/4 करके चेंज हो जाता तेल। ओके जी, तो वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो और सब्सक्राइब करा करो, फेसबुक पे भी फॉलो, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो वहाँ भी फॉलो कर लेना जी। तो जी अब आ गई स्टार्ट करने की बारी, स्विंग मोटर का तेल भी चेंज कर दिया, ट्रैवल का भी कर दिया, फिल्टर्स चेंज कर दिए, इंजन ऑयल चेंज कर दिया, तो अभी एयर फिल्टर और चेक कर लें हम लोग क्योंकि इंजन की सर्विस है, कोई भी सर्विस है एयर फिल्टर जरूर चेक करना चाहिए, नीचे जाके करते हैं उसको और उसके बाद अगर वो ठीक है तो हम करेंगे इस पे कार्रवाई। सारे फिल्टर, इंजन ऑयल, गियर ऑयल चेंज करने के बाद हमने ली अपनी मशीन का स्टार्ट, इसको 10 मिनट ऐसे रहने देंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके चेक करके हम चले जाएंगे। तो ऐसे होती है जी फुल हाइड्रोलिक सर्विस विद इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक फिल्टर और गियर ऑयल, ठीक है जी। तो टैप इट करने के बाद इंजन का साउंड देखो बिल्कुल बदल गया, पहले इसमें टिक 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 की साउंड आ रही थी, अब टैप इट सही हो गए हैं तो कोई साउंड नहीं आ रही है, और इंजन की परफॉर्मेंस से भी फ़र्क पड़ेगा, इंजन काम भी अच्छा करेगा। तो ये 2000 घंटे के बाद ज़रूर करवा लेना चाहिए एक बार इंजन मैकेनिक को बुला के, नहीं तो टैप इट में बहुत गैप पड़ जाता है और दिक्कतें आती हैं, फिर इंजन दबता भी है कई बार। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और कुछ चाहिए वीडियो में तो नीचे कमेंट में लिख देना, कोशिश करेंगे जी बनाने की। बाय बाय, टेक केयर। से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।